हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आए हूँ कि जो बच्चे ओलंपियड की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनका जो एग्जाम होने वाले थे अभी वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। आप अच्छे से सुन लीजिए इस चीज़ को कि जो आपके एग्जाम थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और कौन सी डेट को होने वाले कौन से एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा इस चीज़ में। और आप इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले बात होती है कि कौन सा एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स का था, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQM, इसका जो एग्ज़ाम है वो, और उसके साथ जो आपका जूनियर साइंस का जो था IOQJS, जो ये दोनों एग्ज़ाम थे ये आपके कंडक्ट करवाने थे। जनवरी 9 को आपका कंडक्ट करवाना था, तो ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। सबसे पहली चीज ये है, ये आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं भाई। और उसके बाद बात आती है कि आपका जो अभी जनवरी 16, 2022 को जो एग्जाम होने वाले थे, इस पे आते हैं कि ये पोस्टपोन्ड हुए हैं या नहीं हुए। तो अब इसमें बात करते हैं, ये कौन से थे जो आपके फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों, ये कब थे आपको, जनवरी 16 को आपका कंडक्ट करवाना था, तो ये भी यहाँ पे पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो यहाँ पर भी ये चीज लगा लो भी आप कि इसका भी पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब उसके बाद बात आती है कि आपका जो एग्जाम आगे जो होने वाले था, जो कब की, जो एक तो हो गया एस्ट्रोनॉमी का आपका और एक आपका हो गया केमिस्ट्री का जो एग्जाम था, वो कब आपका कंडक्ट करवाना था, जनवरी 23, 2022 को कंडक्ट होना था। उसका अभी तक कोई भी मैसेज नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं है भी आपका पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बोला गया स्पेशल, इसके लिए मैसेज ये है कि आपका जो अनाउंस्ड आफ्टर जनवरी 10, ठीक है, जनवरी 10, 2022 के बाद आपका ये अनाउंस होगा, क्योंकि सिचुएशन को देख के ही ये चीज बोली जाएगी कि आपका जो 23 जनवरी 23 को होने वाला जो एग्जाम है केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी दोनों का, उसका अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है कि पोस्टपोन्ड हो चुका है, लेकिन ये बोला गया कि आपको जनवरी 10 तक आपको ये बता दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा भी आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। तो जो आपके एडमिट कार्ड आए हुए थे अब उसको वहां पर होल्ड हो जाएंगे और आपका दोबारा से आपके लिए एडमिट कार्ड आएंगे ये बोला गया, और दोबारा से ये रीशेड्यूल होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा। तो ये आप जाके ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हो। कहाँ पे चेक करना है आप है? कि IAPT.org.in, ठीक है, इस पे जाके आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे बिल्कुल ऊपर ही आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी, तो वहाँ पे न्यू इम्पोर्टेंट नोटिस न्यू लिखा मिलेगा और वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आगे सारी की सारी डिटेल एक एक करके आ जाएगी। तो ये आपके जो एग्जाम होने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, और इसके साथ KVPY जो एग्जाम था वो भी मान के चलो भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो इतना ज़्यादा फैलाव हो चुका है तो उसके कारण आपके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सब बच्चों को इस चीज़ का डर लग रहा था भी कहीं उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज़ में तो उनका एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। तो कई बच्चों का ऐसा था कि घर पे किसी के अगर कोई भी दिक्कत हो गई है तो पहले से इस चीज़ का डर लग रहा था भी आगे भी हमारे को इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी चाहिए। तो आपके फायदेमंद के लिए ये चीज़ की गई है। तो आप देख सकते हो कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से देख लो कि कौन से पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो मैंने दो बताए कि आपका एक तो जनवरी 9 को होने वाला था और एक है आपका कब होने वाला था, जनवरी 16 को जो होने वाले एग्जाम थे वो पोस्टपोन्ड हुए हैं, और उसके बाद जनवरी 23 का जो था अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी 10 तक उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा भी आपका पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। तो आपको जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको और अवेलेबल करा दूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर अपडेट आपको अवेलेबल करवाई जाएगी तुरंत जैसे ही मैसेज आते हैं। मैंने जब भी ये देखा न्यूज़ के अंदर तो आपको अवेलेबल करा दिए, तो आप भी जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हो।